अपने लाइफ में जो भी डिसीजन लिए हैं अपनी लाइफ में वो सही है। मास्टर शेफ का ग्रैंड किचन का जब दरवाजा खोला और जब मैंने मास्टर शेफ का किचन देखा, मेरा तो होश ही उड़ गए थे। वहां ग्रैंड किचन बहुत ही लाविश है, बहुत खूबसूरत है। ऐसे लग रहा है हाँ यही जन्नत है और मैं जन्नत में आ गया और अभी मुझे कुकिंग करने का मौका मिलेगा इसमें। वेलकम टू अमूल प्रेजेंट्स मास्टर शेफ इंडिया, को पावर्ड बाय इमामी हेल्दी एंड टेस्टी कुकिंग ऑयल एंड स्लीक किचन्स बाय एशियन पेंट्स। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा, जब हमने एप्रन्स दिए थे ऑडिशन में तो हमने दिए थे 10 एप्रन और आप लोग हैं 9। जसपाल रावत जी आज यहाँ ग्रैंड किचन में नहीं, क्योंकि वो मास्टर शेफ किचन से भी बड़ी ड्यूटी निभा रहे हैं, देश की ड्यूटी, फौज की ड्यूटी। हम उनके लिए जगह खाली रखेंगे, जब वो ड्यूटी निभा के आएंगे तो वापस हमारे परिवार का हिस्सा बनेंगे। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ मास्टर शेफ में आने का और नेशनल ड्यूटी के कारण मैं आ नहीं सका। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं मास्टर शेफ में आऊं और अपना हुनर दिखाऊं। एक बात याद रहे कि इस ग्रैंड किचन में किसी की कहानी एक मिनट में पलट सकती है। कंपटीशन बहुत टफ है, लेकिन ये सब शुरू होगा कल से। आज बारी है दूसरे मौके। बहुत ही रिलीफ वाली फीलिंग थी कि ठीक है आज हमें नहीं परफॉर्म करना है, हम तो सिर्फ देख के आज मजे लेंगे। किस्मत का दरवाजा खोला जाए। इतने साल से मास्टर शेफ चल रहा है, हमेशा जो कंटेस्टेंट्स आते हैं यहाँ पे उनके पास अपना एप्रन होता है, उस पर नाम होता है। उन कंटेस्टेंट्स को तो हम देख ही रहे हैं और साथ में देख रहे हैं उन कंटेस्टेंट को जिनके पास दूसरा मौका है। तो आप हैं तो 11, लेकिन आप में से किन्हीं 5 को ही मिलेगा ये मास्टर शेफ एप्रन। तो भाई एप्रन वालों, इनको बेस्ट ऑफ लक बोलिए और बालकनी से अपना भविष्य देखिए। किस्मत का दरवाजा खोला जाए। जो ट्रॉली आ रही है धीरे 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 उतने ही जोर से हमारा हार्ट बीट बढ़ रहा है। डर तो वहीं पे लगा कि ये कुछ तो बहुत भयानक होने वाला है। तो ये है आपका आज का धमाका। देसी पैंट्री, जिससे आपको बनानी है एक देसी डिश। ये है मेरी मीठी पैंट्री, इसमें से आप बनाएंगे एक मीठी डिश। ये है मेरी हेल्दी पैंट्री, तो आपको बनानी है एक हेल्दी डिश। आप एक पैंट्री का चुनाव कर सकते हैं, उस पैंट्री के इंग्रेडिएंट्स आपके पास हैं आपकी डिश बनाने के लिए। मेरे दिमाग में यही कंफ्यूजन चल रहा था कि मैं कौन सा पैंट्री चूज करूं, कि मैं डिजर्ट पे जाऊं जो कि मुझे लगता है कि मेरा कोर स्ट्रेंथ है, या फिर मैं कुछ सेवरी में जाऊं। जो स्वीट वाले थे बीच में आ गए और जो हेल्दी वाले एक साइड हो गए और जो देसी वाले थे एक साइड हो गए। आप 11 में से 5 ने लिए मीठी पैंट्री और 3 ने लिए हेल्दी और 3 ने लिए देसी पैंट्री। ये ग्रैंड किचन है, यहाँ बहुत कुछ कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक चीज जो ना कम होती है और ना ज्यादा, और वो होती है कांटेश्वर जी। इसका नाम कांटेश्वर किसने रख दिया? ये तो विलन होना चाहिए, इसका नाम तो मुगैम्बो होना चाहिए। कांटेश्वर जी देंगे आपको 1 घंटे का टाइम, लेकिन हम तीनों की तरफ से इस खेल में एक और ट्विस्ट आएगा। सुनते हमारी धड़कने बढ़ गई, हाथों में थोड़े से पसीने आ गए। हम वेट कर रहे कि भैया बताएं क्या होगा अब आगे। करी पत्ता,
केले का फूल, कमरक यानी स्टार फ्रूट, ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट निकले, कड़ी पत्ता, स्टार फ्रूट और केले का फूल। समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या होगा आगे। तो ये तीन हैं हमारे फेवरेट इंग्रेडिएंट्स। और अब एक और छोटा सा धमाका, अगर आपने इन्हें अपनी डिश का स्टार बनाया तो आपको मिलेंगे 15 एक्स्ट्रा मिनट। हेल्दी पैंट्री से किसने मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट चूज किया है? मीठी पैंट्री में से किसने लिया है मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट? पांचों के पांच। देसी पैंट्री से मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट किसने चूज किया? तो कुल मिला के मतलब ये हुआ कि आप 11 में से 10 को मिलेंगे 1 घंटा 15 मिनट 75 मिनट और स्मृति को मिलेंगे 60 मिनट। मुझे ऐसा लगता है स्मृति श्री एक नए इंग्रेडिएंट के साथ खेलने से डर रही है, जिसके कारण वो चाहती है कि पहले ही 15 मिनट कम मिले, लेकिन मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो कि मेरे लिए आसान हो। मेरे लिए वो 15 मिनट इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जिस चीज में मैं अच्छी हूँ उसी चीज को बनाऊंगी और ट्राई करूंगी कि मैं एप्रन तक पहुँच पाऊँ। आप लोगों को अपनी पैंट्री में से सामान लेने के लिए मिलेंगे पूरे 2 मिनट और वो 2 मिनट शुरू होते हैं अब। Contestants, अपनी स्पीड बढ़ाएं। आपके डर को कम करने के लिए, आपको इंस्पायर करने के लिए हम बुलाते हैं एक ऐसे शख्स को जो आए तो थे इस किचन में जिम ट्रेनर बनकर, लेकिन यहां से निकले सबसे कम उम्र के मास्टर शेफ बनकर। लेट्स वेलकम मास्टर शेफ रिपु दमन हांडा। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बड़ा फैन हूं, और दूसरी बात है जो आपको हमेशा याद रखनी है कि टेस्टी डिश वरना गेम फिनिश। तैयार हैं आप? यस सर। आपके ये 75 मिनट शुरू होते हैं अब। शुरुआत एक मिठास से करना चाहता था, तो इसलिए मैंने डेजर्ट पैंट्री चूज किया। तो मैं फिरनी बना रहा हूँ, फिरनी को मैं एक विदेशी टच दे रहा हूँ लेकिन इंडियन फ्लेवर्स के साथ। मैंने करेली भी इसीलिए लिया, 15 मिनट के लिए नहीं है, बिकॉज साउथ से मेरा बहुत अच्छा लगाव है और उसी चीज को रिप्रेजेंट करते हुए मैं इंडिया में जिसको बोलते हैं नॉर्थ एंड साउथ का एक मिलाप करना चाहता था। मैं आज केक बना रही हूँ जिसमें मैंने कड़ी पत्ता इंट्रोड्यूस किया है, जो कि मेरा कोर इंग्रेडिएंट दिया गया था आज के चैलेंज के लिए। उसी के साथ मैं एक हेजलनट आलमंड क्रम्बल बना रही हूँ, स्ट्रॉबेरी सॉस और चॉकलेट ट्रूफल। कंटेस्टेंट्स, ये वो 15 मिनट है जिसके लिए आपने इतनी मेहनत करी और एक डिफिकल्ट इंग्रेडिएंट चुना। इन 15 मिनट का पूरा फायदा उठाइएगा। केले के फूल मैंने उसको कभी इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन मैंने सोचा कि शेफ रणबीर को इम्प्रेस करने का एक तरीका है क्योंकि उन्होंने मुझे एक सेकंड चांस दिया है। 75 मिनट बहुत टफ है इसको लेके खाना बनाने के लिए, क्योंकि इसको छीलना ही बहुत ज्यादा लंबा काम है। इसको मैं 15 मिनट में करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखते हैं कहाँ तक सफलता मिलती है। मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ और कुछ ऐसा बना रहा हूँ जो मैंने इसके पहले कभी नहीं बनाया है। उसका टेस्ट कैसा मुझे नहीं पता। स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ स्टार फ्रूट खाया। जो मेरे स्टार्टिंग के 15 मिनट है मैं सिर्फ इसमें लगा रहा हूँ कि इसको किस किस के साथ कम्बाइन किया जा सकता है और इसका क्या क्या बनाया जा सकता है। मैं अपने रूट्स में जाके, हम लोग का एक बहुत ही फेमस बंगाली डिजर्ट है जो मेरे घर में अक्सर बनता है और मैं भी बनाती हूँ बहुत बार, उसको मैंने करी लीफ के साथ थोड़ा ट्विस्ट दे रही हूँ। आई होप कि ये किसी तरह से काम कर जाए। शेफ, ये तीनों ही सामग्री ना बहुत इंटरेस्टिंग है और हर एक का स्वाद बहुत खास है। करी पत्ता जो है या तो आपको सिकंदर बना देगा और या फिर दरवाजे का रास्ता दिखा देगा। दूसरा इंग्रेडिएंट स्टार फ्रूट, वेरी इंटरेस्टिंग, खट्टा खट्टा भी है, वर्सेटाइल भी बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ बना सकते हैं उसके साथ। लेकिन जो मेरा मन पसंद है वो तो है केले का फूल।
अब मुझे वो देखना है कि इनमें से कौन सा वो फूल को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है और वो डिश कैसे बनती है। आकाश। हाय सर। हाय। हाय सर। कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ और आपको बहुत बड़ा फैन। थैंक यू आकाश। तो बना क्या रहे हो आकाश? केले का फूल का मैं काठी रोल बना रहा हूँ सबसे पहले तो स्टार्टर। अच्छा। में और केले के फूल के नीचे जो छोटे फ्लावर होते हैं उसका एक मैं मैक्सिकन सालसा बना रहा हूँ। कभी पहले इस्तेमाल किया केले का फूल? नहीं, मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं किया। बस मैं कुछ टेक्निक्स अपना रहा हूँ, जैसे सब ब्लांच कर रहा हूँ, उसे थोड़ा पिकल कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपने ब्लांच किया है जी, जिसमें ये टेस्ट किया? मैंने टेस्ट किया, कड़वा था, हल्का सा कड़वा लगा। तो ये जो फूल है जी सर, इसके अंदर ये जो देख रहे डंडी आप सबसे मोटी वाली, अगर आप इसको पकड़ के बाहर निकालेंगे तो इसका कड़वापन हट जाएगा, तो आप इसको खा सकते हैं और ये ज़्यादा बेहतर स्वाद देगा। ओके सर। और ये जो पत्ते हैं ये नहीं खाए जाते। मेरा दिमाग सुन हो गया, मेरी पूरी एक्सरसाइज फेल हो गई। अभी तो मैं एक चीज के बारे में सोच रहा था, पता चल रहा है कि मेरी दूसरी चीज भी नहीं बन सकती है। शेफ, तो कुछ हाल ऐसा है कि पत्ते इस्तेमाल हो रहे हैं। आपको 15 मिनट इतने प्रिय थे कि आपने एक ऐसी चीज चुन ली जिसको अब हीरो बनाने के बाद आपने जिंदगी में कभी खाना नहीं पकाया। मुझे चिंता हो रही। ऑल द बेस्ट आकाश। मैं बिल्कुल उस समय पे खत्म हो गया था, ऐसा लग रहा था कि ये टास्क तो मेरे हाथ से गया। तब मैंने खुद को 5 मिनट दिए और सोचा कि कुकिंग को स्टॉप करके रॉ पे जाऊं। मैंने कुटी हुई चटनी बनाने का फैसला लिया, काठी रोल को भी बदलने का सोचा, फटाफट से छोटे फूलों को फूलना शुरू किया। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं चिकन के साथ स्टफ कर दूंगा मैदे की एक काठी में। कंटेस्टेंट्स, आपके जो एक्स्ट्रा 15 मिनट थे वो खत्म हो चुके हैं, बचे हैं सिर्फ 60 मिनट। स्मृतिश्री, आप अपनी कुकिंग शुरू कर सकती हैं। थैंक यू शेफ। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि स्मृतिश्री भी साथ में आ गई है और अभी तक मैं सिर्फ इंग्रेडिएंट की पहचान और परख ही कर रहा हूँ। थोड़ा नर्वस हुआ लेकिन मुझे लगा कि कर लेंगे। 15 मिनट मैंने जो नहीं लिए वो मेरे ऊपर भारी पड़ भी सकते हैं, बट मैं अपने आप को अगर थोड़ा जल्दी काम करूँ तो हो जाएगा। मैंने जब अपना डिश शुरू की थी तो मुझे लगा था कि 75 मिनट्स में मेरा डिश आराम से बन जाएगा, पर मैं देख रही थी कि जब टाइम जा रहा है मैं और नर्वस होते जा रही हूँ और मेरे काफी सारे एलिमेंट्स भी बाकी हैं। घड़ी अपनी स्पीड से भाग रही है, इतने देर में बन पाएगी या नहीं बन पाएगी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही और बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मेरे एलिमेंट्स अब सेट है बट कोई एलिमेंट अभी रेडी नहीं है। कंटेस्टेंट्स, एक बार कांटेश्वर को देख लीजिए, आप में और एप्रन के बीच में सिर्फ 30 मिनट। हमने आपको दूसरा मौका दिया है, कांटेश्वर नहीं देंगे। अभी मैं अपनी डिश को बस तैयार ही कर रहा हूँ। मैं सुनता हूँ कि शेफ्स ने बोला है कि आपके पास आधा ही वक्त बचा है। वो सुनकर तो बस मुझे ऐसा लगा जैसे मास्टर शेफ के इस एप्रन को पाने के लिए मेरा चांस आधा हो गया। अभी 30 मिनट हो चुके हैं, मेरी बस स्टफिंग तैयार है और विनेग्रेट तैयार है, तो मुझे लग रहा था कि अब मुझे थोड़ा पेस अप करना पड़ेगा। प्रिंस, प्रिंस। हेलो शेफ। क्या बना रहे हैं? मैं कैरेट एंड ड्राई फ्रूट्स की फिरनी बना रहा हूँ और उसके साथ में मेरी पीच एंड स्ट्रॉबेरी की सॉस रहेगी एंड उसके साथ एक करी लीव का क्रम रहेगा, करी लीव एंड कोकोनट, बिकॉज विदाउट कोकोनट करी लीव इज लाइक, उसको बोलते ना वाइफ के बिना हस्बैंड अधूरा, ऐसी वाली चीज है। आपने पहले करी लीफ यूज किया है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने किया डेजर्ट में ही इवन यूज किया हुआ मैंने। अच्छा, इसमें डाल दिया करी लीफ? हाँ, करी लीफ का मैंने फ्लेवर इन्फ्यूज करके सिर्फ मिल्क को मैं यूज कर रहा हूँ। शेफ, मेरे को भी वो डिश समझ नहीं आई कि बन क्या रही है, मूस बन रहा है इतना पता है। हाँ, मूस टाइप। तो ये फिरनी है या खीर है? नहीं नहीं, ये फिरनी है, अभी फिरनी बनेगी। तो मूस का मूस भी बनेगा, अभी बनेगा ना। अच्छा, मूस बनेगा, फिरनी बनेगी, कंबाइन करके। और क्या क्या बनेगा? बन जाएगा, बहुत टाइम है, आराम से हो जाएगा। हेलो, हाय शेफ, हाय ऋतु। हेलो हेलो। आपने पहले यूज किया कड़ी पत्ता खाने में? मैंने किया है पर सेवरी डिशेस में किया है, डिजर्ट में कभी नहीं किया। जी नहीं, मुझे कड़ी पत्ता का बंद कीजिए। ठीक है, एक काम कीजिए, एक कड़ी पत्ता आप रखिए हाथ में, स्मेल कीजिए,
खुशबू आ रही है कुछ जी? इसमें ऑयल्स होते हैं, इसमें हीट चाहिए होती है फ्लेवर निकालने के लिए। अब देखिए जादू पीछे स्मेल कीजिए। ये करती है कमाल, हीट छोड़ती है फ्लेवर खाने में। कड़ी पत्ता आपके डिश का स्टार इंग्रेडिएंट है, इसका फ्लेवर सबसे मैक्सिमम आना चाहिए। और ये आपका शायद आखिरी मौका है, सोचिए करना क्या है और कैसे बनाना है। मैंने फिर सोचा कि मैं कड़ी पत्ते को डिफरेंट तरीके से यूज करूंगी। मैंने कड़ी पत्ता लिया, अपना ओवन के वेरी लो टेम्परेचर पे मैंने उसको डाल दिया डिहाइड्रेट होने के लिए, ताकि वो हीट से जो उसके एसेंशियल ऑयल्स हैं वो भी रिलीज होके एक बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। तो उसका मैं पाउडर बना के अपने पूरे डिश में डालूंगी। मैं बन क्या रहा है यहाँ पे आज शेफ? मैं तो पहले 15 मिनट बर्बाद कर चुका हूँ सिर्फ स्टार फूड का टेस्ट एनालाइज करने में, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था कि मैं इसको कैसे कंबाइन करूं। फिर मुझे लगा कि हेल्दी है तो मुझे सबसे पहले ब्रेकफास्ट नाम याद आता है, तो ब्रेकफास्ट में जैसे मैं हमेशा एक ऑमलेट करता हूं, एक सैलेड करता हूं, एक शेक करता हूं, तो मैं वही कॉम्बिनेशन करने जा रहा हूं। आए मेरे खुदा, 15 मिनट के लालच में आपने वो चूज किया और 15 मिनट आपने वो बर्बाद भी कर दिया समझने के लिए ये बला है क्या स्टार्ट। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। दूर से आ रहे हैं विकास जी। मैं क्या बोलूं अभी, रावियोलीज बनाऊं, उनको देखूं, सॉस चलाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। देर से आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छा डिसीजन लगा मुझे आपका। थैंक यू सर। बिकॉज आपके पास पूरी पैंट्री थी, आप कोई भी चीज को हीरो बना सकती हैं। जी। तो क्या है आपकी डिश का हीरो? मैं अपने मोहब्बत के साथ इतना दूर तक आ गई तो ऑब्वियसली आपका ही पैंट्री चूज करूंगी। मैं कुछ हेल्दी बनाने की ट्राई कर रही हूँ। कुट्टू के आटे का मैं रावियोलीज बना रही हूँ एंड उसके साथ एवोकाडो और बेजल का सॉस रहेगा। तो ये खाना शेफ के लिए बन रहा है ऑब्वियसली, या फिर एप्रन के लिए बन रहा है? कि उनके पास रहना है तो एप्रन मिलना ही चाहिए। एप्रन के लिए बन रहा है, एप्रन के लिए बन रहा है और आपके पास रहने के लिए बन रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। उफ, कैसा गया सर? बहुत बढ़िया गया। जो हमारी स्मृति श्री जी है बड़े प्यार से खाना बना रही है शेफ के लिए। पर आइडिया देखे आप उसका, कुट्टू आटे की बना रही रेवियोली, which is amazing। मुझे लगता है कि रिस्क सबने लिया। किसी ने 15 मिनट के लिए ऐसे इंग्रेडिएंट के साथ अपनी डिश बनाई जो कभी नहीं बनाई थी। रिस्क इन्होंने भी लिया, लेकिन सोचा समझा रिस्क लिया। इन्होंने कहा कि आज सिर्फ उतना करूंगी कि एप्रन मिल जाए। और मुझे ये लग रहा है कि 15 मिनट जो है एक्चुअली लोगों ने बर्बाद किए हैं वो इंग्रेडिएंट समझने में। तो बात वहीं पहुंच गई, क्योंकि अब आपको हीरो भी उसको बनाना है। कंटेस्टेंट्स, कंटेस्टेंट जी को देखिए, आपके 15 मिनट बाकी हैं बस। ये आखिरी दाव जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने यहां तक लाने के लिए मेरे को पूरी जी जान लगा दी, इसलिए वो एप्रन मैं लेके ही रहूंगा। आखिरी 15 मिनट का टाइम है तो बहुत ही ज्यादा हॉटस्पॉट चल रहा है, मेरे क्रिस्प अंदर है, बेक नहीं हो रहे हैं, तो बहुत बड़ा टेंशन चल रहा है। आखिरी 10 मिनट प्लेटिंग 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 10 मिनट बाकी है। जी शेफ। फ्रेंड्स कहां तक पहुंचे? मेरी प्लेटिंग ही बाकी मेरा मुंह सेट हो रहा है और मेरी जो बाकी 2-3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जल्दी करो, 10 मिनट बाकी है सिर्फ आपके पास। सुदीप कहां तक पहुंचे? ऑलमोस्ट हो गया, वो सिर्फ क्रिस्प होने के लिए रखा है, बाकी सब कुछ मेरा हो चुका है। सारे एलिमेंट्स मेरे सामने सजे और मैं बहुत काम कंपोज्ड खुशी से कर रही हूँ कि थिंग्स आर फॉलिंग इन प्लेस। मेरी उंगली कट गई कुकी कटर से। मेरा टाइम जाया गया। वाह, वेरी गुड। क्या हुआ, कट गया हाथ?
चलो कोई बात नहीं, लेकिन प्लेटिंग दिख रही है मुझे यहाँ पे। गुड, वेरी गुड। आखिरी 5 मिनट सब कुछ छोड़ के सिर्फ प्लेट पे ध्यान दीजिए। मुझे लगा ये मेरी आखिरी उम्मीद है और मुझे लग रहा था कि मुझे जितना भी आता है मुझे बस इसी डिश में दिखानी है। सारी चीजें बहुत मुश्किल होती जा रही हैं मेरे लिए, मुझे सारी चीजें मुकम्मल करनी है, मुझे प्लेटिंग करनी है और खुद को किसी भी तरह से प्रूव करना ही है। कंटेस्टेंट्स, आखिरी 60 सेकंड्स जो ये डिसाइड करेंगे कि एप्रन आपको मिलेगा या नहीं। गो फॉर इट। थर्टी सेकेंड्स। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। काम बंद, हाथ पीछे। जो प्लेट सोची है वो नहीं बन पाई है, टेक्निक की वजह से मैं थोड़ी सी मार खा गया हूँ। अब सब जजेस के हाथ में है। जैसे ही मैं अपने डिश को देख रही हूँ अंदर से सुकून फील हो रहा है कि हाँ, जो मैं सोच रही थी वही चीज मेरे प्लेट में है। अमूल प्रेजेंट्स मास्टर शेफ इंडिया को पावर्ड बाय इमामी हेल्दी एंड टेस्टी कुकिंग ऑयल और स्लीक किचन्स बाय एशियन पेंट्स में आज दूसरे मौके में आपकी आर या पार की चुनौती थी। अब ये देखना है कि कौन अपने मकसद में कामयाब हुआ और कौन नहीं। आपको पता है कि मेरे पूरे मास्टर शेफ के सफर